हम जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा रचित रीढ़ की हड्डी इस एकांकिका का अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछली दशिका में हमने देखा है राम स्वरूप जी की बेटी उमा की शादी तय हो गई थी। उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद जी और उनका बेटा शंकर ये दोनों राम स्वरूप जी के घर पर आए थे। राम स्वरूप जी ने अच्छी तरह से उनका स्वागत किया और उमा को एक तख्त पर बिठाया गया था। सामने दोनों बाप बेटे कौन गोपाल प्रसाद जी और शंकर दोनों बैठे थे। जब पहली बार गोपाल प्रसाद जी और शंकर ने उमा की तरफ देखा तो उमा की नाक पर सुनहरी रिंग वाली सोने की रंगी सुनहरी रिंग वाला चश्मा दिखाई दिया था। चश्मे को देखते ही दोनों बाप बेटी चौंक गए थे, चकित हो गए और चकित होकर दोनों ने एक साथ कहा अरे चश्मा। तब गोपाल प्रसाद जी ने राम स्वरूप जी से सवाल पूछा तो ये चश्मा पढ़ाई लिखाई की वजह से तो नहीं है। तो इसका उत्तर राम स्वरूप जी ने गोपाल प्रसाद जी को दिया था। राम स्वरूप जी ने तो उन्होंने कहा था ये पढ़ाई लिखाई की वजह से नहीं है, तो उसकी आंखों में दर्द हो रहा था इसलिए कुछ दिनों के लिए ये चश्मा लगा है। ऐसा करते हुए राम स्वरूप जी ने गोपाल प्रसाद को संतुष्ट कर दिया और संतुष्ट करने हो जाने पर गोपाल प्रसाद जी उमा को कई सवाल पूछ रहे थे। तो पहला उन्होंने सवाल पूछा था कि आपको गाना बजाना आता है क्या, कुछ गाना गाती है क्या। तब राम स्वरूप के कहने पर उमा ने संत मीराबाई का मशहूर भजन मेरे तो गिरिधर गोपाल यह भजन गाना शुरू कर दिया था। उमा भजन गा रही थी, भजन गाते गाते उसकी नजर शंकर पर पड़ी तो शंकर क्या कर रहा था, शर्मा रहा था, झेप रहा था। उसकी शर्मिंदगी देखते ही उमा ने अपना भजन गाना बंद कर दिया। उमा का भजन बंद हो जाने पर राम स्वरूप जी ने कहा अरे उमा इस गाने को पूरा तो करो। तब गोपाल प्रसाद जी ने क्या कहा, बस हो गए। यानी गोपाल प्रसाद जी ने शंकर को भी नहीं कहा था तो शर्मा रहा था, इसलिए गोपाल प्रसाद जी ने उमा से गाना गाने के लिए रोक दिया था, बस हो गया ऐसा कहा। फिर गोपाल प्रसाद जी उमा से दूसरा सवाल पूछ रहे थे, उन्होंने उसे सवाल पूछा था कुछ पेंटिंग वेंटिंग सीखी है। तब उमा चुप हो गई, खामोश थी, उन्होंने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। तब राम स्वरूप जी कह रहे थे देखो ये कुत्ते वाली पेंटिंग उन्होंने ही बनाई है और उस दीवार पर टंगी हुई भी पेंटिंग उन्होंने ही बनाई है। अगला सवाल गोपाल प्रसाद जी ने उमा से किया था कुछ सिलाई बुराई आती है क्या, सिलाई बुराई कपड़े सिलाना आता है क्या। फिर इस सवाल का भी जवाब उमा ने नहीं दिया था। गोपाल प्रसाद जी ने पूछे गए सारे सवालों के जवाब कौन दे रहे थे, राम स्वरूप जी दे रहे थे। उमा को गोपाल प्रसाद जी की इस मनोवृत्ति का तिरस्कार हो रहा था, उनके एक भी सवाल का जवाब वो नहीं दे रही थी। तो राम स्वरूप जी ने उनके इस सवाल का जवाब दिया, उन्होंने कहा सारे घर के कपड़े सिलाने की जिम्मेदारी उसकी होती है, मेरे कमीज तक मेरी बेटी उमा सिलाती है। तो अगला सवाल गोपाल प्रसाद जी उमा से पूछते हैं कि आपने कुछ इनाम विनाम जीते हैं। इस पर भी उमा चुप रहती है, उसके एक भी सवाल का जवाब वो नहीं देती। और गोपाल प्रसाद जी अपने सवाल का
के लिए अधीर हो जाते हैं। तब रामसोर जी उत्तर देते हैं, गोपाल प्रसाद जी मेरी बेटी थोड़ी सी शर्माती है, इनाम तो इसने बहुत जीते हैं। उमा एक भी सवाल का जवाब नहीं देती। ये देखकर गोपाल प्रसाद जी को गुस्सा आता है, वे क्रोधित होकर तीखे स्वर में कहते हैं, जरा इसे भी मुंह खोलना चाहिए। यहां तक हमने पिछली तस्वीर में देखा था, अब आगे देखिए। रामसोर जी कहते, उमा देखो आप क्या कर रहे हैं, जवाब दो। बेचारी रामसोर विवश होकर अपनी बेटी से कह रहे थे कि उमा देखो गोपाल प्रसाद जी क्या कर रहे हैं, उनके सवालों के जवाब दो। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबू जी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा वरना, ये वाक्य अधूरा है, वरना वैसे ही चला जाएगा। तो उमा उत्तर देते हल्के यानी धीमे स्वर में लेकिन मजबूती की आवाज में उमा ने उत्तर दिया। वो अपने पिताजी से कहती है, क्या जवाब दो बाबू जी, जब कुर्सी और मेज बिकते हैं तब दुकानदार क्या करता है, कुर्सी और मेज से कोई सवाल नहीं पूछता, पूछता क्या नहीं पूछता, खाली खरीदार को दिखाने की कोशिश करता है, और खरीदार को वह चीज पसंद आई तो ठीक, नहीं तो वापस चला जाता है। वैसे हम दुकान में चले जाते हैं, कोई चीज खरीदने के लिए जाते हैं, दुकानदार क्या करता है, मैं देखो ये ऐसी चीज है वैसी चीज है, या उस चीज से कोई सवाल पूछता क्या नहीं। उसी प्रकार उमा ने हल्की पर मजबूत आवाज में उन्होंने उत्तर दिया था, बाबूजी क्या जवाब दूंगा, जब कुर्सी और मेज बिकी जाती है तब दुकानदार उसे कोई सवाल नहीं पूछता, वह खाली उस खरीदार को दिखाने की कोशिश करता है, और खरीदार को वह चीज पसंद आई तो खरीद सकता है, और उसे वह चीज पसंद नहीं तो जैसे वैसे वह वापस चला जा सकता है। यानी उमा के इस उत्तर में बहुत खरा अर्थ था। आगे रामसोर चौंककर खड़े हो जाते, उमा उमा चौंकना यानी चकित होना, तभी शब्द आता है चौंकना चकित होना, तो रामसोर जी चकित होते हैं, चौंककर खड़े हो जाते हैं, और खड़े होकर उमा से कहते, उमा उमा, यानी उमा के जो वाक्य थे ये सुनकर रामसोर जी अपनी बेटी को चुप रहने की चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। उमा अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, उमा कह रही थी बाबूजी मुझे कुछ कह लेने दीजिए। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू रामसोर आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहां बुलाया था, ताव कभी चिंताते ताव, ताव यानी आवेश जोश। तो गोपाल प्रसाद जी उमा के ये उत्तर सुनकर क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से में आते हैं, और गुस्से में आकर ताव में आकर बाबू रामसोर जी से कहते हैं कि बाबू रामसोर आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहां बुलाया था क्या? ऐसा सवाल गोपाल प्रसाद जी बाबू रामसोर जी से पूछते हैं। उमा तेज जवाब, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती, जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे थे, कहीं शब्द आते नाप तोल, तो नाप तोल का पता है नापने और तोलने की क्रिया, जैसे दुकानदार दुकानदार से कुछ हम चीजें लाने के लिए चले जाते हैं, जैसे हम शक्कर लाते हैं, शक्कर का क्या करता है, नाप तोल करता है, उसे नाप तोल कहा जाता है, मूज माप मराठी में से क्या कहा जाता है, मूज माप। तो उमा तेज आवाज में तीखे स्वर में गोपाल प्रसाद जी के उस सवाल का जवाब देती है, वो कहते जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं हुई थी, जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे थे। इस बात का उमा को गुस्सा आ गया था, गुस्से में आकर उमा गोपाल प्रसाद जी के किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। इस प्रकार की आज की जो पुरुष प्रकार संस्कृति है वो नारी का सम्मान नहीं कर रही है,
जैसे पशु पक्षियों का सौदा किया जाता है, प्राणियों का बाजार में सौदा होता है, ठीक उसी प्रकार का सौदा कौन कर रहे थे? गोपाल प्रसाद जी कर रहे थे। गोपाल प्रसाद जी की ये जो बुराई है, ये बुराई माँ को खटक रही थी, इसलिए माँ ने गोपाल प्रसाद जी के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया था, इसलिए वो ताव व्याकर कर रही थी। आप इतनी देर से मेरी बेइज्जती कर रहे थे, नापतोल कर रहे थे, ये बेइज्जती नहीं किया। शंकर बाबूजी चली, तो ये शंकर कैसा था? डरपोक था, कायर था। उमा के तीखे शब्द सुनते ही शंकर उठकर खड़ा हो गया और उठकर खड़ा होकर वो कह रहा था, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? गोपाल प्रसाद जी उमा से कहते, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? तो प्रताप सिंह जी चुप रहते। उमा उत्तर देते, उमा जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इसे पूछे कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह झुकाकर भागे थे। ताक झांकना कहीं शब्दार्थ है, ताक झांकना का होता है निहारना, बारीकी से देखना। अगला शब्द है कायर, कायर ने डरपोक, कायर ने डरपोक, मुंह छिपाना। ये मुहावरा है मुंह छिपाना, यानी लज्जित होना, शर्मिंदा होना। मुंह छिपाना का क्या होता है? लज्जित होना। तो देखिए उमा गोपाल प्रसाद जी के सवाल का जवाब दे रही थी। गोपाल प्रसाद जी ने उन्हें कौन सा सवाल पूछा था? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? एक तो गोपाल प्रसाद जी ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की बहू के रूप में अपने घर लेकर नहीं जाना चाहते थे, उन्हें कम पढ़ी लिखी लड़की पसंद थी, इसलिए गोपाल प्रसाद जी ने उमा से सवाल पूछा था कि क्या तुम पढ़ी लिखी कॉलेज में पढ़ी हो? तब उमा उत्तर दे, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, लेकिन आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक नहीं करती थी, मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन आपके बेटे से पूछिए वह किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भाग रहा था, इसे पूछ लीजिए। यानी यहां पर उमा ने शंकर की पोल खोल दी, जो इतनी देर से गोपाल प्रसाद जी उमा का नाप तोल कर रहे थे, कई सवाल पूछ रहे थे, लेकिन यहां पर उमा ने शंकर की पोल खोल की। उन्होंने गोपाल प्रसाद जी से कहा है, आपके लड़के की तरह मैं लड़कियों के हॉस्टल की तरफ ताक झांक नहीं करती थी, ऐसी कायरता नहीं दिखाई मैंने, आपका बेटा नौकरानी के पैरों में पड़कर मुंह छिपाता हुआ भाग रहा था, लज्जित होकर भाग रहा था, ऐसा आपका बेटा है? यानी उमा ने शंकर की पोल खोल की थी। राम उमा 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 की ये बातें सुनकर रामस्वरूप जी उमा को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया, आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था सिर्फ मैट्रिक तक पढ़िए, दरवाजे की ओर पढ़ते हैं, दगा दगा ने धोखा ठगाना फसा। तो गोपाल प्रसाद जी उमा की बातें सुनकर अपनी जगह से खड़े होते और खड़े होकर गुस्से में रामस्वरूप जी से कहते हैं, बस हो चुका रामस्वरूप बाबू, रामस्वरूप जी आपने मेरे साथ क्या किया है? धोखा किया है, दगा किया है, आपकी बेटी उमा बीए पास है और आपने मुझे क्या बताया था? मैट्रिक, सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी। ऐसा कहकर
गोपाल प्रसाद जी दरवाजे की ओर आगे बढ़ते हैं बाहर निकलने के लिए। उमा जी हाँ जाइए जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइए कि आपके लाले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासा पर दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा ससा चुप हो जाती है, बेबसी कड़ी चलता है, बेबस बेबस यानी लाचार। बेबस का अर्थ क्या होता है? लाचारी। तो गोपाल प्रसाद गुस्से में बाबू राम स्वरूप जी का घर छोड़कर अपने घर जाने के लिए निकलते हैं। तब उमा कहते हैं जी हाँ जाइए जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह भी पता लगाइए कि आपके लाले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन है क्या नहीं है, ये भी जरा देख लीजिए। और बाबू गोपाल प्रसाद जी के चेहरे पर यह लाचारी दिखाई देती है, गुस्सा भी दिखाई देता है और उनके लड़के के चेहरे पर क्या दिखाई देता है? रोला सा दिखाई देता है। और दोनों बाहर चले जाते हैं और माँ क्या होते हैं? ससक चुप हो जाते हैं। तो इस प्रकार जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा रचित रीढ़ की हड्डी इस एकांकिका का हमने अध्ययन किया है। तो इस एकांकिका के माध्यम से जगदीश चंद्र माथुर जी ने हमें यह संदेश दिया है कि हमें नारियों का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। यह संदेश हमें इस एकांकिका के माध्यम से दिया है। तो छात्रों इस एकांकिका में कुछ कृतियां भी दी गई है, आकलन के लिए कुछ कृतियां हैं, तो कुछ कृतियों को भी हम देखेंगे। तो देखिए कृतियां पूर्ण कीजिए, प्रश्न परीक्षा में द्वारकों के लिए कृति पूछी जाती है, कृतियां पूर्ण कीजिए। कृतियां प्रश्न है पूर्ण कीजिए। तो पहला प्रश्न दिया है व्यावसायिक शिक्षा के नाम, व्यावसायिक शिक्षा के नाम ऐसा परीक्षा में प्रश्न दिया जाता है, ऐसा वे आकृति दी जाती है और हमें उत्तर लिखते हैं व्यावसायिक शिक्षा के नाम। तो इस बॉक्स में चौकोर में हम उत्तर लिखते हैं व्यावसायिक, इस परीक्षक में आए हुए व्यावसायिक शिक्षा के नाम कौन कौन से हैं? एक है वकालत, एक क्या है वकालत और दूसरा मेडिकल। यानी गोपाल प्रसाद जी पेशे से कौन थे? वकील थे। एक वे वकालत करते थे और उनका बेटा मेडिकल कॉलेज में पढ़ता, मेडिकल एक व्यावसायिक शिक्षा है। दूसरा दूसरी आकृति शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्यों के नाम, शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्यों के नाम। तो इस परिच्छेद में शास्त्रीय संगीत में आए हुए प्रयुक्त वाद्यों के नाम लिखे। शास्त्रीय संगीत में जिसका उपयोग शास्त्रीय संगीत में किया जाता है, एक है हारमोनियम, और दूसरा है सितार। दूसरा क्या है? सितार। ये शास्त्रीय संगीत में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार यह कृति है। अगली कृति गोपाल प्रसाद जी की दृष्टि से भूख ऐसी हो, नंबर तीन गोपाल प्रसाद
दृष्टि में, सॉरी दृष्टि में बहु ऐसी हो तो इस प्रकार यहां पर यह प्रभाव के लिए ऐसी आकलन बुद्धि पूछी जाती है। तो हमें इसके उत्तर लिखने हैं। तो उत्तर किस ढंग से लिखे जाते हैं, एक एक बताइए। चार उत्तर लिखने हैं मैंने। तो गोपाल प्रसाद जी की दृष्टि से बहु ऐसी हो, नंबर एक बहु खूबसूरत हो, बहु खूबसूरत हो। तो गोपाल प्रसाद जी बहु कैसे लाना चाहते थे, खूबसूरत। दूसरा लड़के के जन्म पत्र से लड़की का जन्म पत्र मिलता हो, लड़के के जन्म पत्र से, जन्म पत्र से लड़की का जन्म पत्र, जन्म पत्र मिलता हो। गोपाल प्रसाद जी कुंडली देखकर यानी अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे, यानी उनके लड़के की कुंडली और लड़की की कुंडली एक दूसरे से मिलती जुलती हो। तीसरा ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। और अंतिम चौथा लड़की को, चौथा व्यक्ति लड़की को सिलाई पुराई करनी आती हो, करनी आती हो। इस प्रकार यह आकलन कुछ दो अंकों के लिए पूछी जाती है। तो कुछ छात्र क्या करते हैं, आलस करते हैं। तो ऐसी त्रुटियां हैं तो कुछ लोग आकृति निकालना भूल जाते हैं, आकृति नहीं निकालते, ऐसे ही बिना आकृति के उत्तर लिखते हैं। गोपाल प्रसाद की दृष्टि में हो ऐसी हो तो यह आकृति नहीं निकालते, तो आकृति में निकालने पर आप लोगों को पूर्णांक नहीं मिलती, याद रखिए। इसलिए हर एक आकलन कृति में जैसे परीक्षा में प्रश्न पत्र में आकृति दी है वैसे ही हमें आकृति निकालना आवश्यक है। इस तरह से अगर हम लोगों ने आकृति निकालकर अगर उत्तर लिखे तो हमें पूर्णांक मिल सकते। अंतिम शब्द संपदा में एक प्रश्न पूछा जा सकता है, शब्द संपदा में। तो शब्द संपदा का प्रश्न है, देखिए शब्द युग्म पूर्ण कीजिए, कौन सा प्रश्न है शब्द संपदा में, शब्द युग्म पूर्ण कीजिए, शब्द युग्म पूर्ण कीजिए। तो शब्द युग्म किसे कहा जाता है, जिन शब्दों को योजक चिन्ह के द्वारा जोड़ा जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, शब्द युग्म। तो यहां पर नंबर एक पढ़े अगे जाए, नंबर दो सभा और नंबर तीन पेंटिंग, पेंटिंग और नंबर चार सीधा, सीधा। तो परिचय में एकांकिका में आए हुए ये शब्द युग्म है। तो पहले भी पढ़े तो शब्द युग्म कौन सा है, पढ़े लिखे। दूसरा सभा, योजक चिन्ह लगाकर सोसाइटी, सोसाइटी सभा, सोसाइटी ये शब्द है।
तीसरा पेंटिंग, वेंटिंग, और जो चौथा है सीधा। तो ये जो चिन्ह लगाकर साधा, सीधा साधा। तो इस प्रकार शब्द युग्म भी, शब्द युग्मों को हमें क्या करना है, पूर्ण करना है। इस प्रकार यह भी शब्द संपदा भी द्वंद्वों के लिए ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो ठीक है, तो आज हमने रीढ़ की हड्डी इस एक अंक का अध्ययन किया है, और इस पाठ के नीचे जो कृतियां भी लिखी उसका भी हम लोगों अध्ययन किया। ठीक, धन्यवाद।